तुमने बहुत डरा दिया था हमें, अब मैं तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूंगा, कहानी भी मैं सुनाऊंगा। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं कल तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, बेफिक्र हो जाएं। ठीक है मेरी जान, गुड नाइट। गुड नाइट पापा। गुड नाइट मेरी शहजादी। अंकल अब मैं छोटी नहीं रही, मैं खुद पढ़ सकती हूँ। हाँ तो ठीक है, शुरू करते हैं। वैसे भी ये मेरी पसंदीदा कहानी है। क्या तुम्हें तस्वीरें देखनी? जी। चलो अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। निजात साहब, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, प्लीज निजात साहब मुझे माफ कर दें आप। क्या तुम्हारे माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, मैं जानती हूँ। जो लिख के दिया था क्या तुमने पढ़ा था उसे? मुझे सच सच बताना, माहिरा से मुतालिक 20 नुकात लिख कर दिए थे, क्या वाकई पढ़े थे? नहीं, बस एक नजर देखे थे। बस देखा, पढ़ा नहीं। मैंने अपनी बेटी तुम्हारे हवाले की थी, मुझे लगा तुम उसका ख्याल रखोगे, लेकिन अब मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम जैसी लापरवाह को ये जिम्मेदारी कैसे सौंप दी। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज पहला दिन था और मेरी बेटी मौत के मुंह से बची है। मुझे एहसास है अपनी गलती का, प्लीज मुझे माफ कर दे। गलती मेरी है, शुक्र है जल्द इसका एहसास दिला दिया तुमने, शुक्रिया। चलो अब जाओ यहां से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, चली जाओ हमारी जिंदगी से। मुझे माफ कर देना मेरी जान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानता हूं तुम सुबह उदास हो जाओगी, लेकिन अब मैं वही करूंगा जो ठीक होगा। हेलो अम्मी। माहिरा मुझे बताओ तुम ठीक तो हो ना? मुझे मालूम है कि आप मेरी वजह से चली गई हैं। नहीं माहिरा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी वजह से बाबा ने आप पर गुस्सा किया, मुझे माफ करना अम्मी, मैं बीमार हूँ। अरे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, माफी क्यों मांग रही हो मुझसे? अम्मी मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैं अब कभी बीमार नहीं होंगी और पीनट भी नहीं खाऊंगी, सच कह रही हूँ। माहिरा देखो बेटा ऐसा मत कहो प्लीज, इस तरह मुझे बहुत तकलीफ होगी, प्लीज ऐसा मत कहो। अम्मी मुझे अकेला छोड़ के मत जाए प्लीज अम्मी। देखो मेरी जान कितनी रात हो चुकी है ना, तुम सो जाओ, सुबह तुम्हारे बाबा तुम्हें सब बता देंगे। नहीं आप पहले मुझसे वादा करें कि आप घर वापस आएंगी और मैं फोन तब तक नहीं रखूंगी जब तक आप वादा नहीं कर लेती। ठीक है वादा करती हूँ मैं, लेकिन तुम अभी फौरन सो जाओ, ठीक है मेरी जान? ठीक है अम्मी। आ,
कुछ नहीं कर सकती, तुमसे दरवाजा भी नहीं खोला जा रहा है। उफ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं और माहिरा 4 बजे तक आ जाएंगे। शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। सब ठीक है? हाँ, हम 4 बजे निकल जाएंगे। इसमें किसी माहिर नफ्सियात की जरूरत पड़ेगी, अब हमें जो ठीक लगेगा वही करेंगे। सोना, तुम आखिर हमसे झूठ क्यों बोल रही हो? हाँ, तुम चुपचाप ऐसा क्या काम कर रही हो? ये तस्वीर तुम्हारे पास क्या कर रही है? हाँ, मुझे इसका जवाब चाहिए। आपको ये तस्वीरें कहां से मिली? ये तस्वीरें मुझे जहां से भी मिली हूं, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। अब तुम मुझे पूरी बात ठीक से बताओगी। क्या तुम पेस्ट्री शॉप खोलना चाहती हो? यही वजह है तुम्हारे झूठ बोलने की? बाबा, मैंने आपको बताया तो था। मेरी बात मत काटो, समझी? ये क्या है सोना? हाँ, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। मुझे लगा मैं ये शॉप दोबारा खोल लूंगी तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन भाई की वजह से सारे पैसे बर्बाद हो गए तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकी। ये बताओ कि तुम इस वक्त कहां से आ रही हो? अपनी जॉब से। झूठ मत बोलो सोना, तुम्हारी मैनेजर से मैंने बात की, तुम्हें निकाल दिया गया है। हाँ, निकाल दिया मुझे। उसके बाद मुझे दूसरी जॉब मिली और वहां से भी निकाल दिया, क्योंकि मैं जहां भी जाती हूँ मुझे वहां से निकाल दिया जाता है। ऐसी ही किस्मत है मेरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं सबको तकलीफ पहुंचाती रहती हूँ, सब बिगाड़ के रख देती हूँ मैं। सुकून मिल गया? तुम्हारी तसल्ली हो गई या कुछ और भी पूछना है तुम्हें? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े बाबा, और मैं इस वक्त किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया, क्या इसने दूसरी जगह नौकरी शुरू कर दी है? रिफत, तुम्हारा मुंह थोड़ी देर के लिए बंद नहीं हो सकता, हद होती है। मुझे माफ कीजिएगा बाबा। बाबा प्लीज चले जाए, वरना मैं रो दूंगी। बचपन में भी तुम मेरी मौजूदगी में कभी नहीं रोई हो, शर्म के मारे। तुम खुद को कमरे की अलमारी में बंद करके रोया करती थी। मतलब ये कि आपको सब कुछ मालूम था? बाबा को तो सब कुछ मालूम होता है। उस अलमारी में अम्मी के कपड़े रखे होते थे, उनकी खुशबू आती थी। मैं उनसे आपकी शिकायतें करती थी। बाज़ औक़ात अलमारी के अंदर जाके या फिर बाहर से। मुझे इस बात का पूरी तरह एहसास है। मुझे अम्मी का चेहरा तो याद नहीं, मगर कम से कम उनकी खुशबू तो याद थी। अब वो भी भूल गई, कुछ भी याद नहीं मुझे। अम्मी की कोई याद नहीं बची बाबा, तो बस इसीलिए मैं वो शॉप लेना चाहती थी। क्या पता उन्होंने उस शॉप की सफाई की हो, उन्होंने वहां दीवारों को हाथ लगाया हो, वहां पर एक आईना था उसमें अपने बाल संवारे हो। मैं अब उस अलमारी में तो नहीं जा सकती बाबा, बड़ी जो हो गई। बस इसीलिए मैं अपने आप से बहुत नाराज हूं, क्योंकि मैं अम्मी को भूलने लगी हूं। मुझसे हर वक्त गलतियां होती रहती हैं, ये अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम जानती हो बेटा हम क्यों गिरते हैं? वो क्यों? ताकि एक बार फिर हम उठ सकें, और कभी कभार हमें चीजों को झेलने के लिए उन्हें भूलना पड़ता है, कोशिश करनी होती है। शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं।
इतना सोचना नहीं चाहिए हमें। मैं आपकी तरह नहीं हूं, बल्कि शायद अम्मी की तरह हूं। तुम मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल अपने जैसी हो। गलती करोगी तभी तो सीखोगी, है ना? तजुर्बे से ही सही और गलत का पता चलता है। दिल छोटा मत करो, मेरी बेटी की तरबियत में इतनी आसानी से हार मानना तो नहीं है ना? सही कहा ना बेटा, पीछे कभी मत हटना। शुक्रिया बाबा। नाश्ता करो ना, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? चलो अम्मी आ जाए फिर मैं करूंगी। अब क्या ये चाहती हो तो मैं अपने हाथों से खिलाऊं? वैसे भी माहिरा आज तुम्हारा मैच है, तो क्या बगैर कुछ खाए पिए जाओगी? मुंह खोलो। मुझे नहीं खाना, अम्मी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम कहाँ है, मुंह खोलो अपना। नहीं खोलूंगी। माहिरा कहा ना मुंह खोलो। कहा ना नहीं खोलूंगी। क्या हो रहा है यहाँ सुबह सुबह? आप अम्मी पर गुस्सा क्यों है? मेरी अम्मी आ रही थी लेकिन आपकी वजह से वो नहीं आई। पहले नाश्ता करो फिर बात करते हैं हम लोग। नहीं मुझे नहीं करना, मुझे अभी बात करनी है। नहीं मोहतरमा, जो भी बात होगी नाश्ते के बाद ही होगी। कल मैंने अम्मी को कॉल की थी, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो जरूर आएंगी, लेकिन आपके गुस्से की वजह से वो नहीं आई, और उन पर गुस्सा करने की वजह से मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। ठीक है, हम आ रहे हैं। बाबा की जान, क्या पहले कभी तुमने मुझे किसी को डराते हुए देखा है? अम्मी को। मैंने तुम्हारी अम्मी को नहीं डराया। मैं भी उतना ही उदास हूं जितनी तुम, लेकिन कुछ बातों के बारे में तुम नहीं जानती। आज रात मैं तुम्हें सब बता दूंगा, मैं वादा करता हूं। क्या इसका ताल्लुक मेरी अम्मी से है बाबा? इसका ताल्लुक मेरी गलतियों से है, लेकिन हम इस बारे में बात जरूर करेंगे। तुम्हारी टीचर की कॉल आई थी अभी, याद है ना आज मैच है तुम्हारा? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और उस खेल के बारे में तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। चलो अब जल्दी से टीवी बंद करो, कमरे में जाके तैयार हो, फिर हमें जाना है। मुझे टेनिस नहीं खेलना। वो क्यों? मैंने अपनी बेटी के साथ टेनिस खेलने के लिए अपना सारा काम छोड़ दिया और ये मोहतरमा फरमा रही हैं कि इन्हें टेनिस नहीं खेलना। कैसे नहीं खेलोगी? खेलोगी तुम? छोड़िए ना बाबा। नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं जाना। साथ लेकर जाऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ सकता तुम्हें। बाबा, नीचे कोशिश भी मत करना, तुम मेरी गोद से नहीं उतर सकती। हैरी हमारे रास्ते से हट जाओ, कोई सामने ना आए हमारे। चलो चलो। तो बस ऐसा ही था, 3 दिन में मुझे जॉब से निकाल दिया गया। अभी तो बहुत छोटी है वो, मुझे उस मासूम के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। अब कैसी है वो? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। वो जमीन पर गिरी हुई थी, मैं बिल्कुल नहीं भूल पा रही है। वो सब मेरे जहन से निकल ही नहीं पा रहा है। तुम परेशान मत हो, जो होना था वो हो गया, इसके लिए तुम्हें खुद को इल्जाम देने की जरूरत नहीं। शुक्र करो कि उस बच्ची के साथ कोई बड़ा मसला नहीं हुआ। रात को उसकी कॉल आई थी मेरे पास, उसकी आवाज सुनकर तो मेरा दिल ही कटकर रह गया। काश उसे जाकर देख सकती। हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। निजात साहब से पूछे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, वो पहले ही बहुत गुस्सा है। वैसे बुर्जू ठीक कह रही है, मैं तो ठीक से मिली भी नहीं उससे। अफसोस है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। बात सुनो, तुम पहले ही परेशान हो और मजीद परेशान नहीं करना चाहती, मगर पैसों वाले मामले का क्या होगा? उस आदमी से 2 लाख लीरास लिए हैं तुमने। हाँ वाकई, अगर उसने दिए हुए पैसे वापस मांग लिए तो? ये कोई इतनी छोटी रकम थोड़ी है कि इतनी जल्दी वापस कर देंगे हम। क्यों ना हम उसे किस्तों में वापस कर दें, हो सकता है कि वो इस बात पे मान जाए। इसमें उसे इल्जाम नहीं दे सकते, उसकी जगह मैं होती तो मैं भी वापस रकम मांगती। 2 लाख बड़ी रकम होती है। ठीक है, वो तो हमें देनी ही पड़ेगी, लेकिन इतनी रकम लाएंगे कहाँ से? उससे बात करनी होगी तुम्हें। तो फिर मैं जाकर निजात साहब से बात करती हूँ, इसी बहाने मायरा से भी मिल लूंगी। पागल मत बनो सोना, तुम इस बात को अपने जहन से निकाल दो प्लीज। तो उन्हें कॉल करती हूँ, उनसे कहूंगी अगर वो फारिग है तो मुझे बात करनी है, इससे पहले कि बात और खराब हो जाए। ये तो करना पड़ेगा। हाँ फिर ठीक है, कर लो कॉल। हाँ करके देख लो। ठीक है।
फोन नहीं उठा रहा। उफ, मीटिंग में होगा। बुर्जो आयशा को कॉल करो ना, उससे पूछो कि वो कहाँ है। बस पता चल जाए कि वो ऑफिस में है तो मैं वहाँ चली जाऊंगी, नहीं तो जहाँ होगा मैं वहाँ चली जाऊंगी। तो तुम ऐसा सोचती हो, यानी हर हाल में जाना है। उफ, कॉल करके पूछती हूँ मैं। आयशा मेरी जान, कैसी हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या निजात साहब ऑफिस में हैं? हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, तो कहाँ है वो? हाँ, ठीक है, समझ गई। बहुत शुक्रिया। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है मेरी जान? बाय। क्या हुआ? वो ऑफिस में नहीं है, टेनिस क्लब गए हैं आज। ठीक है, मैं वहाँ जा रही हूँ। अरे रुको, अभी जा रही हूँ क्या? सबर नहीं होता इससे। बाबा जी। बेटा, मैं अपने बॉस से बात करने जा रही हूँ, बात करना जरूरी है। गुड, ये किया है ना तुमने बहादुरों वाली बात। तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, अब देर मत करो, जल्दी जाओ बेटा। खुदा हाफिज बाबा। अब तुम लोग बताओ आगे क्या करना होगा। बैकहैंड। शाबाश। अगर आप बैकहैंड में अपना बायां हाथ इस्तेमाल करेंगे तो आपका बायां पांव भी आगे होना चाहिए। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह देख रहे हैं ना? और फिर जैसे ही बॉल आए उसकी तरफ हिट करना है, यानी आमतौर पर जो हाथ आप इस्तेमाल करेंगे तो दूसरी तरफ का पांव आगे होना चाहिए। और इस बार हम इसे उसी तरह फेंकेंगे जिस तरह पहले फेंका था, और याद रहे कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हाँ, शाबाश, बहुत अच्छे। अम्मी, मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगी। अपना वादा पूरा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अपना सीधा पांव आगे। तुम आज स्कूल नहीं गई? नहीं, क्या आप पहले स्कूल गई थी? मुझे तो पता ही नहीं था कि आज तुम्हारा स्कूल नहीं है। तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। वाह, हमने आज ये सीखा। गुड़िया, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो जाओ खेलो उनके साथ। क्या मैं थोड़ी देर और नहीं रुक सकती? माहिरा। नहीं, ये गलत बात है, तुम्हारे दोस्त वहाँ इंतजार कर रहे हैं, तुम जाओ वहाँ पर। ठीक है, चलो चलो, भागो भागो भागो, मैं थोड़ी देर में आके देखता हूँ। अच्छा ठीक है। कल साफ साफ समझा दिया था ना मैंने, क्या बात हुई थी हमारे दरमियान, क्या कर रही हो तुम यहाँ? माफी मांगने आई हूँ आपसे। माफी चाहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि माहिरा भी यहाँ पर होगी। मैंने सोचा जाकर मिल लेती हूँ आपसे, बैठकर बात कर लेते हैं। बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। माहिरा ने मुझे कॉल की थी, आवाज से ठीक नहीं लग रही थी। जानता हूँ। आपको मालूम है? हाँ, उसने सुबह बताया था। मैंने फैसला कर लिया है माहिरा को सब कुछ सच बताने का। क्या मतलब? क्या आप सब कुछ उसे बता देंगे? माहिरा नफ्सियात की मदद लेंगे, वही माहिरा से बात करेगा। और मैं और माहिरा आज 4 बजे उनके पास जा रहे हैं मिलने के लिए। अब सब डॉक्टर के मुताबिक होगा। क्या मैं बीमार हूँ? अरे नहीं, तुम बिल्कुल बीमार नहीं हो मेरी जान। अम्मी बाबा ने ऐसा क्यों कहा फिर? जिस डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वो वैसा नहीं जो तुम समझ रही हो, माहिर नफ्सियात की बात कर रहा हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। डरने की जरूरत नहीं, चलो जाके दोस्तों के साथ बैठो, मैं भी बस अभी आता हूँ। अगर अम्मी साथ नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊंगी। चले अम्मी, अब बाबा हमें सिखाएंगे और आप हमें देखिएगा। मैं यहाँ खड़े होकर देखती हूँ। ठीक है। हाँ तो बच्चों, कैसा चल रहा है? जबरदस्त। अच्छा। क्या कोई ऐसा है जिसे सब समझ आ गया हो और वो खेलना चाहे? शाबाश शाबाश, अच्छा मैं, तो फिर सब एक लाइन में खड़े हो जाएं। देखो ये रही लाइन, सबको यहाँ खड़े रहना है। देखो ये लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। शाबाश शाबाश, फोरहैंड से शुरू करेंगे। सबसे पहले फोरहैंड, ठीक है? तैयार हो? जी तैयार है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। हाँ मारो। शाबाश शाबाश। तो क्या अब तुम तैयार हो गुड़िया? जी। चलो फिर देखते हैं। अम्मी देखे, मैं खेल रही हूँ। देख रही हूँ मैं। ये हुई ना बात, शाबाश। अब आप आ जाएं। बहुत ही अच्छा खेला तुमने।
चलो अब तुम आओ। तुम किस हाथ से खेलोगे? सीधे हाथ से। सीधे? अच्छा है, चलो। कुछ मदद करूं मैं? नहीं, जरूरत नहीं। लेकिन लग तो रहा है। नहीं, सब संभाल लूंगा मैं। बच्चों को संभालना मुश्किल होता है, मैं मदद कर सकती हूँ आपकी। बच्चों को संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ, तैयार हो जाओ, मारो। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। शुक्रिया। तैयार हो? जी तैयार हूँ। लो मारो। वाह, चलो अब तुम्हारी बारी, आ जाओ, तैयार हो जाओ बेटा, चलो मारो। शाबाश, जबरदस्त। तैयार हो तुम? चलो आ जाओ मारो। मैं ये नहीं कर सकता। तैयार हो? जी तैयार हूँ। टाइमिंग बहुत अहम होती है बच्चों। चलो आज के लिए बस इतना ही काफी है। बहुत शुक्रिया आपका निजात साहब। शुक्रिया की कोई बात नहीं, मुझे खुद आकर बहुत अच्छा लगा। क्या आप आगे भी इस तरह आ सकते हैं? बिल्कुल, जैसे ही फुर्सत मिलेगी जरूर आऊंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। कुछ हुआ है मायरा? हाँ, मेरे बाबा मुझे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। क्या तुम वहाँ कभी गई हो? हाँ गई थी। वहाँ क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस खेलना होता है वहाँ। और उसके बाद मुझे वहाँ पता चला कि मेरी अम्मी बाबा की तलाक हो रही है। अच्छा वाकई? क्या तुम कभी गए हो? हाँ मैं भी जा चुका हूँ, जब मेरे बाबा मेरी अम्मी को छोड़कर चले गए थे। अच्छा, और तुम? हाँ मैं भी गया हूँ, जब मेरे अम्मी बाबा अलग हो गए थे। क्या ये सच है? बताओ। निजात साहब, निजात साहब बात तो सुने। क्या बात है? हमें बैठकर बात करने की जरूरत है। ओ, अच्छा वाकई, क्या बात करनी है? क्या आप डॉक्टर के पास अभी जा रहे हैं? आज शाम में जाऊंगा, क्या हुआ? क्या हमारा एग्रीमेंट खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया। हमारे उस एग्रीमेंट में कुछ शराइत भी थी, शायद आपको याद हो। पैसों की बात है ना, तो यही बात तुम्हें यहाँ खींच लाई? अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पैसों के बारे में तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कल जो कुछ हुआ मुझे अच्छी तरह याद है, इस बात को ना ही छेड़ो तो अच्छा है। नहीं, मैं यहाँ उस बारे में बात करने नहीं आई। अगर हमारा एग्रीमेंट खत्म हो गया है तो मुझे आपकी रकम लौटानी पड़ेगी, वो रकम अब तक वैसे ही रखी है। क्या मैं इतनी दूर आपसे पैसों के बारे में बात करने आऊंगी? ठीक है, जब तुम इतनी दूर आ ही गई हो सोना, तो सूरत हाल को संभालो, माहिरा को अलविदा कहो और फिर उसकी जिंदगी से चली जाओ हमेशा के लिए। ठीक है, मैं ये कर लूंगी, आप फिक्र मत करें। अम्मी, अभी हम आपके ही बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, और वो क्यों? हेलो, कैसे हैं आप सब? हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है, बस इसीलिए आए हैं। कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? इस हफ्ते जो टीचर अफ्रीका के बारे में बताने आ रही थी, जरूरी काम की वजह से आने से मना कर दिया है, तो इस हवाले से माहिरा ने आपका मशवरा दिया। अम्मी प्लीज बताइए ना, अफ्रीका के बारे में, हाथी के बारे में, जेब्रा के बारे में, बताइए ना अम्मी, प्लीज बताइए ना। हमने सोचा आपसे इस बारे में आकर बात कर लें, लेकिन आप अभी अभी इस्तांबुल आई हैं, काफी थकी हुई होंगी। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने, और थकन का तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन ये अभी आई हैं तो इसलिए थोड़ा सा मसरूफ है, माफ कीजिए। क्या मुझसे भी ज्यादा जरूरी काम है? क्या मेरी बात की कोई अहमियत नहीं? नहीं, तुमसे ज्यादा जरूरी क्या काम हो सकता है? मेरी जान, जिद मत करो माहिरा। ठीक है, नहीं करूंगी जिद मैं। अरे मेरी जान, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, क्यों नहीं बताऊंगी? क्या सच में? मगर उससे पहले तुम्हें अपने बाबा से पूछना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक कहा ना? माफी चाहता हूँ। हेलो हेलो निजात साहब, मैं क्लिनिक से बात कर रही हूँ।
जिन डॉक्टर के साथ आज आपकी अपॉइंटमेंट थी उनके साथ कुछ मसला हो गया है, वो अब 3 दिन के बाद ही आएंगे। अगर आप कहते हैं तो जुमेरात 4 बजे आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर देती हूँ। ठीक है, जुमेरात को 4 बजे। अरे तुम उदास मत हो, बाबा आते हैं तो हम बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। हाँ तो हम लोग कहाँ थे? बाबा प्लीज अम्मी को बताने दो ना, प्लीज बाबा। क्या बताने दूँ मैं? अगर ये अफ्रीका के बारे में बताएंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा निजात साहब। ऐसा सोच रहे हैं आप लोग? प्लीज बाबा बताने दे ना। ठीक है मेरी जान, मेरा भी यही ख्याल है, अच्छा मशवरा है। जबरदस्त। तो फिर बहुत मजा आएगा। तो फिर बताएं कब आना है मुझे? असल में इनकी बहुत अहम क्लासेस हैं तो 2 दिन बाद रखते हैं। 2 दिन बाद? फिर तो बहुत अच्छा है ना? मतलब 2 दिन बाद मुझे यहाँ आना है, अच्छी बात है। हाँ। सच में आज मैंने जितना झूठ बोला है उतना तो कभी नहीं बोला होगा। तुमने माहिरा से क्या कहा? यही कि अगर मैंने उसे अफ्रीका के बारे में बताया तो उसे फिर मेरा कहना मानना पड़ेगा। दोबारा मैं तुमसे कह रहा हूँ, आज डॉक्टर से मिलने का इरादा बदल दिया है। बच्चों को अफ्रीका के बारे में बता दो और ये खेल खत्म करो। ठीक है, समझ गई मैं। मैं वहाँ पहुँच तो गई मगर बात नहीं कर सकी। वो समझ रहा था कि मैं उससे पैसों की बात करने आई हूँ, बस यही वजह है कि मैंने उससे उस मौजू पे बात नहीं की। अच्छा तो तुम बात नहीं कर सकी, वैसे हमारे सामने तो कभी चुप होने का नाम ही नहीं लेती। हाँ खैरियत तो है सोना, कहीं इस खेल में मजा तो नहीं आने लगा तुम्हें? क्या कह रही हो गुरजू? वैसे मुझे लग रहा है कि मैं सही कह रही हूँ, तुम इसलिए बात नहीं कर रही कि निजात साहब का इरादा ना बदल जाए। हाँ बिल्कुल यही बात। देखो हमने कितनी अच्छी अच्छी किताबें ली हैं ताकि अफ्रीका के बारे में तुम उन्हें फर फर बता सको। तुमने तो सच में सारा मामला ही हल कर दिया बुरजू। हाँ क्या बात है तुम्हारी, देख लेना। कैसी हैं आपा, यहाँ पर अकेले क्या कर रही हैं आप? क्या करूंगी, कुछ नहीं। ये बताएं सोना कहाँ है? मुझे क्या पता, खुदाए तो पूछ लेना। आपा आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती हैं। अगर आपने भी सोना के राज छुपाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। क्या कर लोगे तुम? क्या हो रहा है? कुछ नहीं बाबा, बस आपा से बातें कर रहा था मैं। हाँ बड़ी बातें कर रहा है ये बाबा, ये धमकी देके मुझसे पूछ रहा था सोना कहाँ है। धमकी? नहीं बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है, आपको बुरा लगा है क्या? क्या मैंने आपको परेशान किया है आपा? वैसे सोना के बारे में क्या पूछना चाहते हो? कुछ नहीं बाबा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। बेटा अपनी बहनों के पीछे पड़े रहने से बेहतर है कि अपने काम पर ध्यान दो। ये और अपना काम ध्यान से करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुनो बेटा, मैंने अपने खानदान के लिए अपना सारा सरमाया खर्च कर दिया है, यहाँ तक तो ठीक था, मगर सोना ने तुम्हारी वजह से अपने पैसे लुटा दिए और सानिया ने अपना जहेज बेच दिया और तुमने अपनी गाड़ी। देखो हमारे पास जो कुछ भी था वो खर्च हो चुका है। रिफत, क्या तुम्हें इस बात पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता? बाबा मुझे कैसे फर्क नहीं पड़ता, मुझे हर वक्त फर्क पड़ता है इस बात से। तो फिर कोई प्लान बनाओ जिससे तुम अपनी बहनों का कर्ज वापस कर सको। हाँ मैं कर दूंगा। तो फिर क्या सोचा है? बाबा इसका सारा ध्यान खाना खाना और बातें करने में लगा रहता है, थोड़ी सी जरा बातें कम कर लेना तो पैसे भी कमा लेगा। सही कहा, ठीक है फिर सोच लो अच्छी तरह और उसके बाद कोई प्लान बना ही लेना, ठीक है बेटा? जी बाबा, अगर प्लान की बात आ गई है तो वो जो रियल एस्टेट वाला है ना। बस भी करो रिफत, फजूल की बातें करना बंद करो। लेकिन बाबा ऐसा क्यों, रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा बिजनेस है। क्या हुआ? पता है आपा, अफ्रीका की मालूमात के लिए सारी किताबें खरीदनी, 2 दिन में अफ्रीका के बारे में सब जानना है मुझे। हाय ये लड़की, अभी अफ्रीका कहाँ से आ गया, पैसे कैसे जमा करूँगी उस बारे में सोचूं। मैं उससे बात नहीं कर पाई, उसने बोलने का मौका ही नहीं दिया मुझे। सोना मुझे लगता है कि तुम बात को ज्यादा तूल दे रही हो, ऐसा करो कि कल ऑफिस आ जाओ और इस मामले को जल्दी हल करो, ठीक है? और अगर सुबह ही सुबह वो मुझे ऑफिस में देखकर नाराज हो गया तो फिर? तुमने इस सब की फिक्र करना कब से शुरू कर दी मेरी जान। ठीक है कल बात कर लूंगी मैं उनसे, कब पहुंचना है? वैसे उनकी कल एक मीटिंग है, जैसे खत्म होगी मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। ठीक है? इस दफा सही से बात करके आना, ऐसी नहीं आ जाना। बात ही तो करने जा रही हूँ आपा। इंशाल्लाह। शौकत अंकल। बाबा। अरे बेटा तुम लोग कब आए? आ जाए यहाँ बैठ जाए बाबा। बेटा तुम तो कह रही थी किताबों की दुकान पर जा रही हो, तुम तो पूरी दुकान ही उठा लाई।
कसम से बाबा, ये सारी किताबें दो दिन में पढ़कर समझनी है मुझे। ऐसा ही है तो मैं भी देखना चाहूंगा, कौन सी किताबें लाई? अरे बाबा, पहले मैं तो देख लूं, उसके बाद आप देख लीजिएगा ये किताबें। खुशामदीद बुर्जू, ये लो तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया रिफत भाई आपका। रिफत ने तुम सबका कर्जा उतारने के बारे में सोचा है, क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, मैं उतार दूंगा इनका उधार। तो फिर ठीक है, मैं घर जा रही हूँ, आप चल रही हैं आपा? तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊँ। ठीक है, खुदा हाफिज़ शौकत अंकल। ठीक है बेटा, बुर्जू तुमने तो प्लेन ही जो मैं लेकर आया। फिर कभी सही। और सुनाओ क्या हाल है तुम्हारे? वो मैंने खबर पढ़ी है रिफत भाई। अच्छा ऐसा है, जरा दिखाओ मुझे भी। इसे लो और मेरी बात सुनो, मैं अब कल की मीटिंग के लिए तैयारी करूंगा, मुझ पर इस वक्त काम का बहुत बोझ है, तुम नहीं समझ सकते हो। भाई ये रही मेरी सामान की लिस्ट, देखो इसमें मैंने सारा सामान लिख दिया है, तुम इसे गौर से देख लेना। और जो पैसे मिले थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और कुल मिला के जो रकम हुई वो नीचे लिखी हुई है। हैं? तुम्हारा ये कबाड़ इतना महंगा था? झूठ तो नहीं बोल रही आपा? झूठ तो तुम बोल रहे हो बाबा से, अगर बता दिए तो देखना क्या होगा। अरे आपा, आप हर वक्त बाबा को दरमियान में क्यों ले आती हैं? आपको गुस्से का मसला है, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। दे दूंगा। बहुत एहसान तुम्हारा, अब आप मुझे परेशान मत कीजिएगा। वैसे रिफत भाई आपकी तो लॉटरी लगने वाली है। ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? क्या भूल गए, वो लोग यहाँ पर कमर्शियल शूट करना चाहते थे। जबरदस्त, क्या बात है तुम्हारी, वाह, ये तो मैं भूल ही गया था। हमने कैफे तो बचा लिया, अब मैं जाके उनसे बात करता हूँ, शूटिंग करवाता हूँ। वैसे उस आदमी का नाम क्या था? निजात, हाँ शायद यही नाम था उसका। कहाँ रह गया? यही नाम था उसका। उसका एड्रेस भी यहीं लिखा है, कल मैं उसकी कंपनी जाऊंगा और उससे बात करूंगा। शाबाश मेरे दोस्त, क्या पता यही हमारे काम आ जाए, हमें बस कोशिश करनी चाहिए।